उत्तर प्रदेश में महिलाओं एवं बच्चियों के साथ हो रहे बलात्कार एवं हत्या की घटनाओं तथा बढ़ रहे अपराध को रोकने में विफल योगी सरकार की बर्खास्तगी की मांग पर उतरे आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जिला अध्यक्ष हाजी जुबैर की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। उत्तर प्रदेश के अंदर मौजूदा समय में कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं रह गई है। उत्तर प्रदेश में अपराधियों के हौसले बुलंद है। उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में लगातार महिलाओं के साथ बलात्कार, छेड़खानी और हत्या की खबरें आ रही है। उत्तर प्रदेश के अंदर पुलिस अपना विश्वास खो चुकी है और अपराधी अपराध करने में बिल्कुल भी खौफ महसूस नहीं कर रहे हैं। बेहद शर्म का विषय है कि पुलिस की लापरवाही, निष्क्रियता और उदासीनता योगी सरकार में उत्तर प्रदेश के अंदर चरम पर है। परिणाम स्वरूप सूबे में कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं बची है। ज्ञापन के माध्यम से कहा गया है कि छेड़खानी और बलात्कार जैसी घटनाओं के बाद पुलिस के रवैये से तंग आकर उत्तर प्रदेश के अंदर तमाम बच्चियों ने आत्महत्या कर ली है। बुलंदशहर, प्रतापगढ़, गोरखपुर, लखनऊ, बांदा, झांसी समेत दर्जनों जिलों में बच्चियों ने आत्महत्या की है। नाम रविंद्रनाथ भाटिया है, मैं जिला प्रवक्ता मुरादाबाद। कौन सी पार्टी? आम आदमी पार्टी से। किन मांगों लेकर प्रदर्शन किया? ये देखिए कि जो देश के अंदर या उत्तर प्रदेश के अंदर मिशन शक्ति को लेकर योगी सरकार एक बहुत बड़ा प्रचार कर रही है होल्डिंगों के माध्यम से, और एक दिन के लिए महिलाओं को अधिकारी रैंक पर बैठा दिया जाता है, उससे महिला सशक्तिकरण मजबूत नहीं होता। जबकि योगी सरकार का एक मिशन है कि नो एफआईआर नो क्राइम। अगर महिलाओं की शिकायतें दर्ज नहीं होंगी तो आपने देखा कि मुरादाबाद में पिछले दिनों एक बेटी ने आत्महत्या कर ली। जब शिकायतें नहीं लिखी जाएंगी इस योगी पुलिस के द्वारा तो आए दिन इस देश के अंदर महिलाओं के साथ अत्याचार बढ़ते रहेंगे। और हम आज के इस ज्ञापन के अनुसार हम लोग आज योगी सरकार की बर्खास्त करने की मांग करते हैं। हम चाहते हैं जो सरकार निकम्मी है, जो महिलाओं की सुरक्षा नहीं कर सकती, वो सरकार को उत्तर प्रदेश में रहने का कोई अधिकार नहीं है। और हम चाहते हैं कि योगी सरकार, योगी जी जल्द से जल्द इस्तीफा दें। जब उनसे कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश की नहीं संभल रही है तो वो किस लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने बैठे हैं? आज हमने मेमोरेंडम राष्ट्रपति महोदय के नाम दिया है जिलाधिकारी माध्यम से। और ये जो उत्तर प्रदेश में आए दिन बलात्कार हो रहे हैं, हर जिले में कानून व्यवस्था नहीं सुधर रही है, उत्तर प्रदेश की जो योगी सरकार है ये फेल हो चुकी है। हमने उत्तर प्रदेश में महिलाओं की तीन मांगे रखी हैं। नंबर एक, तो इन महिलाओं को जो भी रास्ते हैं उन हर रास्ते पर काले जहां अंधेरे क्षेत्र हैं उनमें सीसीटीवी कैमरे लगा दिए जाएं, जिससे कि महिलाओं को सुरक्षित माना जाए। दूसरे, महिलाओं के साथ जो क्या हो चुके हैं अपराध उन्हें उचित मुआवजा दिया जाए ताकि वो उनके परिवार वालों को कोई सुविधा हो सके या वो कानूनी लड़ाई लड़ सकें उनसे। तीसरे, ये जो उत्तर प्रदेश की सरकार है इसे तुरंत बर्खास्त किया जाए। राष्ट्रपति महोदय से हमने मांग की है कि इसे बर्खास्त किया जाए, इस सरकार को रहने का कोई अधिकार नहीं है अब, क्योंकि ये महिलाओं पर, किसानों पर अत्याचार हो रहे हैं और गरीबों पर, सबको अत्याचार, कोई किसी मामले में किसी क्षेत्र में भी ये सरकार सही काम नहीं कर रही है। हमारी महिला यूनिट, ये दो महिलाएँ आई हैं और बाकी महिलाएँ वो घरेलू उसकी वजह से ना आ पाती हैं, लेकिन 29 तारीख में महासम्मेलन हो रहा है लखनऊ में हमारी, और हमारे उत्तर मुरादाबाद से 20 महिलाएं जाएंगी बस के द्वारा। मेरा नाम सलमा है। पार्टी में क्या है आप? जी, पार्टी में मैं जिला सचिव हूँ। अच्छा, क्या कार्यक्रम है आज? जी, जो महिलाओं के खिलाफ अत्याचार हो रहे हैं, गोरखपुर कांड, कठुआ कांड और ये हाथरस, इसके खिलाफ हम यहाँ पर आए हैं, यहाँ पर सर को ज्ञापन देने के लिए। हम चाहते हैं कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए योगी सरकार कोई ना कोई ठोस कदम उठाए, जिससे कि महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। जो कठुआ के दोषी हैं, जो हाथरस के दोषी हैं, उनके लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाकर जल्द से जल्द उनके लिए सजा की मांग की जाए, मांग करें और जैसे उन लोगों को सजा दिलाई जाए जो हाथरस के, कठुआ के और यहाँ के दोषी हैं। महिलाओं की सुरक्षा के लिए योगी सरकार मिशन शक्ति का कार्यक्रम चला रही है, इसमें आपका क्या कहना है? मिशन शक्ति जो कार्यक्रम है वो केवल पन्नों तक ही सीमित है। अगर आप असल में देखते हैं तो हम देखते हैं कि महिला कोई सुरक्षित नहीं है। हम कहीं भी जाते आते हैं तो देखते हैं कि जो नज़रिया है पुरुषों का महिलाओं के प्रति बहुत खराब है, और इसके लिए योगी सरकार को कार्य करना चाहिए। मैं मोहम्मद आबिद, जिला उपाध्यक्ष मुरादाबाद। यह आज जो DM साहब को हमारे सांसद संजय सिंह द्वारा उनके आह्वान पर आज पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर महिलाओं पर बढ़ते अत्याचार को लेकर और उनके बलात्कार लोग कर हो रहा है और सुरक्षा नहीं है बेटियों की, उसको लेकर आज पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर ज्ञापन दिया जा रहा है और हमारे मुरादाबाद इकाई भी आज ज्ञापन दे रही है।
देखिए मिशन शक्ति जो एक बनाया है योगी जी ने, सिर्फ ये कागजी है। ये मिशन शक्ति का आपने देखा है कहीं पर उसका कहीं काम हो रहा है? उसके जब मिशन शक्ति बनाया तो ये कह रहा है मिशन शक्ति, खूब ज़्यादा मिशन शक्ति के महिलाओं के साथ में रेप करा गया। ये मिशन शक्ति का नारा दिया है ये योगी सरकार ने। हम चाहते हैं जो सरकार अगर महिलाओं की सुरक्षा नहीं कर सकती वो सरकार बिल्कुल बर्खास्त कर दी जाए, वो सरकार अपना इस्तीफा दे दे। देखिए कितने कांड यूपी के अंदर हो गए हैं। आप कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जब बेटी बच्चे की नहीं तो पढ़ेगी कहाँ से? मिशन शक्ति को आप कहाँ से कर सकते हैं? हमारी आम आदमी पार्टी ये मांग करती है हमारी बहन बेटियों महिलाओं की सुरक्षा करी जाए। फास्ट कोर्ट जो बनाई गई है उसमें तुरंत एक एक महीने के अंदर, पूरे एक महीने के अंदर उन अपराधियों को जिन्होंने गलत काम किए हैं।